मार्केट में बेटा फिश की बहुत सारी वैरायटीज होती है, उनके नेम्स भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं टाइप्स ऑफ बेटा फिश में, तो यही आज डिस्कस करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड, आई एम गंधार और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेटा फिश। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। सबसे इजी टू कीप, सबसे एक्टिव और बेस्ट फॉर बिगिनर बेटा फिश कौन सा है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बेटा फिश का क्लासिफिकेशन मेनली होता है उनके कलर, उनके पैटर्न और उनके टेल से, और इसी सीक्वेंस में उनको नेम किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर बेटा का कलर है मस्टर्ड गैस, पैटर्न है बटरफ्लाई और टेल है हाफ मून, तो नाम होगा मस्टर्ड गैस बटरफ्लाई हाफ मून बेटा। इस फॉर्मूला से ही सबको नाम दिया जाता है। कलर से क्लासिफिकेशन कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। जो भी कलर होगा बॉडी का उसका नाम होगा फिश को। सो अगर रेड कलर है, पूरा सिर्फ रेड कलर, तो उसे कहते हैं सॉलिड रेड। इसी तरह ब्लू होगा तो सॉलिड ब्लू, ब्लैक होगा तो सॉलिड ब्लैक, ये सब चलता है। फिर मस्टर्ड गैस एक पैटर्न है, बहुत फेमस है, मस्टर्ड गैस बहुत अच्छा दिखता है। या फिर मल्टी कलर होता है, मतलब बहुत सारे कलर्स हो गए, एक से ज़्यादा कलर्स हो गए तो मल्टी कलर होता है। नेक्स्ट आते हैं पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले बाई कलर। बाई कलर मतलब क्या, दो कलर होते हैं फिश को, उसके बॉडी को एक कलर होता है और उसके जो फिन्स है उसको दूसरा कलर होता है, तो इसे कहते हैं बाई कलर्ड बेटा। नेक्स्ट बटरफ्लाई, ये भी बाई कलर जैसा ही है, दो ही कलर होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट कलर होता है वो बॉडी को भी होता है और हाफ फिन्स को भी होता है, और जो बाद में सेकेंड कलर होता है वो बाकी बचे हुए हाफ फिन्स पे होता है, इसलिए इसे बटरफ्लाई बेटा कहते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रैगन बेटा या फिर ड्रैगन स्केल बेटा। तो ये इसके जो स्केल्स है बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, इसे डिटेल स्केल होते हैं, इसलिए इसे ड्रैगन स्केल बेटा कहते हैं। बाद में आते हैं मार्बल बेटास या फिर कोई बेटास। ये दोनों सिमिलर होते हैं, कोई बेटास तो आप समझ ही चुके होंगे, जो जैपनीज कोई होते हैं उनको रिजेंबल करने के लिए बनाया होता है। बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे विविड कलर्स होते हैं इसमें, अनलाइक मार्बल बेटास। मार्बल बेटास में ज़्यादा कलर्स नहीं होते, पैटर्न ऐसा ही होता है कुछ, लेकिन कलर्स आपको कोई बेटा से थोड़े कम दिखने मिलेंगे और ज़्यादा विविड कलर्स नहीं होंगे, बेसिक मतलब ब्लू ब्लैक व्हाइट ऐसे ही कलर्स आपको देखने मिलेंगे मार्बल बेटास। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पैटर्न। नेक्स्ट और सबसे वाइड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टेल। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अक्सर लोग टेल से ही पहचानते हैं बेटा फिश को, क्योंकि वही मेन फैक्टर होता है, प्राइमरी फैक्टर होता है बेटा फिश आइडेंटिफिकेशन का। तो सबसे पहले है क्राउन टेल। तो क्राउन टेल बेटा में जो कॉडल फिन होता है या फिर जो टेल होती है उस पर स्पाइक्स बने होते हैं जो रिजेंबल करते हैं क्राउन को, इसलिए इसे क्राउन टेल बेटा कहते हैं। नेक्स्ट है वेल टेल बेटा। तो जैसे कोई भी वेल टेल फिश होता है, इसका जो फिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन इसका जो कॉडल फिन होता है या फिर जो टेल होता है वो लंबा तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, मतलब सबसे छोटा टेल इसी का होता है, सबसे कम ब्रॉड टेल वेल टेल का ही होता है। नेक्स्ट है डेल्टा टेल। डेल्टा टेल का जो कॉडल फिन होता है वो वेल टेल फिश से थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब ब्रॉड होता है उससे, इसलिए उसे डेल्टा टेल कहते हैं। वेल टेल का मतलब बहुत ही छोटा होता है, लंबा होता है लेकिन ब्रॉड ज़्यादा नहीं होता, तो उस कंपेरिजन में डेल्टा टेल का जो कॉडल फिन या फिर टेल है जो, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। नेक्स्ट आता है हाफ मून। हाफ मून बहुत पॉपुलर है। हाफ मून मतलब जो बेटा फिश का जो टेल होता है वो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब पूरा सेमी सर्कल बनाता है, इसलिए बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, पूरा ऐसा हाफ मून जैसा दिखता है, इसलिए उसे हाफ मून कहते हैं। आगे है फुल मून या फिर ओवर हाफ मून। ये हाफ मून से ही सिमिलर है लेकिन इसका जो कॉडल फिन होता है ये मोर देन 180 डिग्री होता है। सो 180 डिग्री अगर होगा तो हाफ मून होता है, उससे अगर ज़्यादा है मतलब सेमी सर्कल से थोड़ा ज़्यादा है तो वो ओवर हाफ मून या फिर फुल मून होता है। तो ये एक्चुअली टेल की जो साइज है उससे एक क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है डबल टेल। तो डबल टेल जैसे नेम से आप समझ सकते हैं, कॉडल फिन ऐसा लगता है कि दो टेल है, मतलब ऐसे कट मतलब बीच में लगाया हो ऐसे लगता है, कॉडल फिन्स के बीच में ऐसे कट लगाया ऐसे लगता है, इसलिए दो टेल्स है होते हैं उसके, इसलिए इसे डबल टेल कहते हैं। नेक्स्ट है रोज टेल। तो रोज टेल बेटास बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरे पर्सनल फेवरेट है। रोज टेल बेटास में जो टेल होता है या फिर जो भी ओवरऑल फिन्स जो होते हैं उसमें ऐसे रिंकल्स होते हैं, फेदर जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे एक्चुअली फेदर टेल बेटा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे रिंकल्स आते हैं, इसलिए इसे रोज टेल या फिर फेदर टेल बेटा कहते हैं। बाद में आता है स्पेड टेल। तो स्पेड टेल सिमिलर है वेल टेल से ही, बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है वेल टेल को, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो कॉडल फिन या फिर जो टेल है वो ऐसे स्पेड के शेप में होता है, अनलाइक वेल टेल। वेल टेल में सिर्फ लंबा होता है,
लेकिन स्पेड टेल में वो कॉडल फिन का शेप है वो स्पेड की जैसे होता है, इसलिए इसे स्पेड टेल कहते हैं। नेक्स्ट है राउंड टेल। तो राउंड टेल नाम से ही समझ आ रहा है, टेल पूरा इसमें सबसे राउंड शेप होता है टेल का, इसलिए इसे राउंड टेल कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री देर आर टू मोर कैटेगरीज। ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखे कलर पैटर्न और टेल के, इसके अलावा दो टाइप्स है बेटा फिश के। एक है एलिफेंट ईयर या फिर डम्बो बेटा। तो जैसे एलिफेंट ईयर गप्पी होते हैं, वैसे सिमिलरली एलिफेंट ईयर बेटास के ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे एलिफेंट के ईयर्स होते हैं बड़े, सिमिलरली उनके भी ईयर्स बड़े होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। और नेक्स्ट है प्लकेट्स। प्लकेट्स एक अलग ही वैरायटी है बेटा फिश की। उनकी उनके जो फिन्स है वो शॉर्ट होते हैं, मतलब जैसे व्हेल टेल के फिन्स लॉन्ग होते हैं लेकिन ब्रॉड नहीं होते, उससे अपोजिट प्लकेट्स के जो फिन्स है वो शॉर्ट होते हैं लेकिन पूरे बड़े भी हो सकते हैं, मतलब फुल मून प्लकेट्स भी होते हैं, पूरा सेमी सर्कल या फिर उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी लेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है। ये कुछ फीमेल बेटास की तरह दिखते हैं, लेकिन ओनली डिफरेंसेस फीमेल बेटास में जो वेंट्रल फिन्स है वो उतने बड़े नहीं होते और प्लकेट्स में वेंट्रल फिन्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सो विच इज़ द बेस्ट बेटा फिश फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए बेस्ट बेटा फिश है प्लकेट्स। प्लकेट्स बहुत ही एक्टिव और एग्रेसिव फिश होते हैं, जो आपके टैंक में हमेशा मूव करते रहेंगे, अनलाइक अदर बेटास जो कभी कभी मतलब बहुत ही स्टिल रहते हैं, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते तो आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन प्लकेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपको मज़ा आएगा बेसिकली प्लकेट्स रखने में। सो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको डेफिनेटली प्लकेट्स रखना रिकमेंड करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और आपका फेवरेट बेटा फिश कौन सा है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।